हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मेघा चौहान और आज मैं आ गई हूँ एरो सिटी के एक और कैफ़े को एक्सप्लोर करने। दिस इज़ ब्लू टोकाई कॉफ़ी रूस्टर कैफ़े एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ का फूड रिव्यू देने वाली हूँ। और कॉफ़ी ना पी ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऑफ कोर्स कॉफ़ी का भी रिव्यू। कैफ़े के अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ की सराउंडिंग दिखा देती हूँ, कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है और ऊपर से इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, देखो। सराउंडिंग तो आपने देख लिया, चलो अब कैफे के अंदर चलते हैं। लेट्स गो। इट इज़ सिंपल सटल येट वेरी कोजी प्लेस। लाइक बहुत ही छोटू सा एरिया है बट बहुत ही कोजी प्लेस है। यू कैन कम हेयर फॉर अ कॉफ़ी डेट, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो। अगर आप कॉफ़ी लवर हो मेरी तरह तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करो और इनकी कॉफ़ी ट्राई करो, बहुत ही अच्छी है। दे हैव सो मैनी वराइटीज़ ऑफ कुकीज, बेगल्स, क्रोसेटा, क्रोसॉन एंड मफिन्स एंड वॉट नॉट। मतलब यू विल बी कन्फ्यूज कि क्या खाए और एवरी थिंग लुक्स सो टेम्पटिंग। लाइक आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि क्या खाया जाए, ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ ही खा लो। और जितना भी मैंने ट्राई किया इट वॉज माइंड ब्लोइंग, इट वॉज अमेजिंग। और इन्होंने अलग से ये एक शेल्फ टाइप बनाया हुआ था जहाँ पे यू कैन बाय देयर कॉफ़ी। ये रिटेल में था सब कुछ, जो भी आपको पसंद आए। अगर आपको कुछ पसंद आता है किसी भी कॉफ़ी का फ्लेवर और यू कैन यू वांट टू मेक इट एट होम, यू कैन बाय इट। देयर वाज अनदर शेल्फ एज वेल विच हैड अ वैरायटी ऑफ ब्रेड्स लाइक मल्टीग्रेन, ऑलिव, रोजमेरी, मिल्क ब्रेड एंड अ नंबर ऑफ कुकीज एज वेल विच यू कैन बाय एंड एन्जॉय एट होम। ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग प्लेस टू एन्जॉय कॉफ़ी एंड हैंग आउट विद फ्रेंड्स। सो गाइज, मैंने ऑर्डर कर दिया और हमारा खाना भी आ चुका है। तो फर्स्ट इज दिस टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट है ये, इसके साथ इन्होंने ये डिप भी दी है, काफ़ी अच्छी। लेट्स ट्राई। बहुत स्पाइसी डिप है, बहुत अलग सा टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है। बाय द वे सैंडविच बहुत ही अच्छा है, बहुत क्रीमी है, क्रंची है, मतलब बहुत अलग सा टेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, सैंडविच के साथ उन्होंने थोड़े चिप्स भी दिए हैं जो कि बहुत ही परफेक्टली बेक दिख रहे हैं। और ये देखो, आई थिंक इन्होंने खुद ही बेक किए हैं, क्रंची और बहुत अच्छा फ्लेवर है। नॉर्मल सॉल्टेड ही है बट अच्छा फ्लेवर है। सो गाइस, नेक्स्ट चीज जो मैंने ऑर्डर की है दैट इज दिस क्रोसेटा, और ये है होममेड पेस्टो सॉस से बना हुआ, विच लुक्स एब्सोल्यूटली यम्मी, बहुत ही क्रंची है एज यू कैन सी। और इसके साथ इन्होंने पेस्टो सॉस भी है। लेट्स ट्राई। आई डोंट नो, मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। टेस्ट अच्छा है, बहुत मतलब ऐसे बूम वाला फ्लेवर्स नहीं आ रहे, बहुत सटल फ्लेवर्स आ रहे हैं, बट अच्छा है। अगर आप कॉफ़ी के साथ खाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस मोका कॉफ़ी, और इसकी प्रेजेंटेशन इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, मतलब मेरा पीने का मन नहीं कर रहा है इसको। इतना प्यारा हार्ट बनाया हुआ है, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको मैं ख़राब करूँ, बट लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले डालेंगे हम ऑब्वियसली शुगर, उन्होंने शुगर भी प्रोवाइड किए हैं। एक है ब्राउन शुगर और वाइट शुगर, आप जो भी मर्जी आप और यूज़ कर सकते हो, तो मैं डाल दूँ यहाँ पर वाइट शुगर। और गाइस, अब ये कॉफ़ी ख़राब होने वाली है इसकी हालत, मतलब ये जितनी क्यूट दिख रही थी अब ये मेरा दिल दुख रहा है इसको ऐसे करते हुए, बट कोई नहीं, पीना तो है ही उसको। ओके, तो ये हमने कर दिया शुगर मिक्स। लेट्स ट्राई। चीयर्स।
बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है। आई मीन मेरी तरह कोई कॉफ़ी लवर है तो उसको ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी। तो ज़रूर ट्राई करना अगर आप यहाँ पे आते हो तो मोका कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस आमंड प्रोसो विच लुक्स सो अमेजिंग, और इसको इन्होंने टॉप किया है रोस्टेड आमंड्स के साथ एज यू कैन सी। और इसकी फिलिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द फिलिंग, आई गेस दिस इज आमंड बटर या कुछ फिलिंग आमंड की, विच लुक अमेजिंग। लेट्स ट्राई दिस, ट्राई करें, लेट्स ट्राई। ज़्यादा बड़ा पीस आ गया बट स्टिल ज़्यादा बड़ा है, और छोटा करते हैं इस पीस को। बहुत ही आप देख सकते हो कितना क्रंची है, कट भी नहीं रहा। चीयर्स। बहुत अमेजिंग फ्लेवर है, आमंड का जो फ्लेवर आ रहा है ना मुंह जाके बर्स्ट कर रहा है, बहुत सटल सा और बहुत ही टेस्टी यम्मी। और आप यहाँ तो ये वाला भी ज़रूर ट्राई करना, अब तक जो भी मैंने इनका ट्राई किया है सब कुछ ही अच्छा निकल रहा है, मस्ट ट्राई। और ये थोड़ी स्वीटर साइड पे है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।